दोस्तों, आज के एजुकेशन सिस्टम के अनुसार हर व्यक्ति ये चाहता है कि अच्छे से वो पढ़े लिखे और अच्छी जॉब मिले कॉरपोरेट सेक्टर में, जहाँ पे एसी के अंदर बैठने को मिले और अच्छे से एक, जिसे कहती है कि वेल सेटल्ड लाइफ। लेकिन होता यह है कि लाइफ सेट होने की जगह कई बार अपसेट भी हो जाती है। तो क्या सिर्फ अच्छा पैसा कमाना, अच्छा पैकेज लेने से लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आती है, या फिर लाइफ में हैप्पी रहने के लिए कुछ और करना जरूरी होता है? तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे इसी विषय के ऊपर कि अपना पैशन हम कैसे चूज करें, पैशन को कैसे प्रोफेशन बनाएं ताकि हम अपने काम को एंजॉय कर सकें। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जहां पे हम चर्चा करते हैं ऐसे विषय पे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हमारे लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, हमें मोटिवेशन मिले। तो आज इसी एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने लाइफ के अंदर अपने पैशन को कैसे फॉलो किया जा सकता है। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही फेमस यूट्यूबर कहिए, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक में, शिवा जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, थैंक स्वागत है आपका हमारे शो चर्चा में। यू, तो थैंक यू सो मैं मच। चाहूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। जी जरूर। तो मेरा चैनल का नाम है शिवा टेल। सभी सोशल मीडिया पे मौजूद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे बेसिकली मैं वो स्टोरीज डालने की कोशिश करता हूँ जिनके बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते। आजकल काफ़ी सारे चैनल्स हैं, ट्रैवल चैनल्स हैं, ट्रैवल यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो हमें वो जगहें दिखाते हैं जो लोगों ने नहीं एक्सप्लोर कर देखी। कुछ पाते। ऐसी भी होती हैं, कुछ कॉमन भी होती हैं, जो लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक गैप मैंने देखा कि यूजुअली सिर्फ जगहों पे लोग फोकस करते हैं कि एक जगह में क्या है, सुंदरता क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह को, उस जगह की जो एसेंस है, उस जगह की जो खुशबू है, वो वहाँ के लोगों से आती है, वहाँ के कल्चर से आती है डेफिनेट। और वहाँ की ट्रेडिशन से आती है। वही उस जगह को किसी दूसरी जगह से यूनिक भी बनाती है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगा कि कोई भी दिखाने की कोशिश नहीं करता है। 99.99% वो उस पे फोकस भी नहीं करते, या कुछ बताते भी हैं तो 10 मिनट के वीडियो में शायद 30 सेकंड या 1 मिनट का वो उसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ा एक गैप है जो हमारे कल्चर्स को दिखाने के लिए अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि वो गैप मुझे फिल करना चाहिए और मुझे वो कहानियां बतानी चाहिए जो उन जगहों की, जहाँ पे लोग जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, पर वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ की ट्राइब्स, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ की फोक टेल्स, फोकलोर्स, उनकी जातक कथाएं क्या है, उनके मान्यताएं क्या है, वो जीते कैसे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गांव-गांव में जाऊँ, रिमोट प्लेसेस में जाऊँ और वो कहानियां ढूंढने की कोशिश करूँ और सबके सामने लाऊँ उस अपने भारत कि वो कहानियां जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो मेरी कोशिश मेरे चैनल शिवा टेल्स के थ्रू यही है कि वो स्टोरीज दैट आर गेटिंग लॉस्ट शुड बी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो ये मेरी कोशिश है शिवा टेल्स के थ्रू। तो अभी मैं एक चीज आपके बारे में स्टडी कर रहा था कि आपने कॉरपोरेट की जॉब छोड़ करके आप इस लाइन में आ गए। तो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे लोग इसलिए होड़ में हैं, कोचिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को तपा रहे हैं कंपटीशन के का जो एक ट्रैप है इसके अंदर डाल करके, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें कॉरपोरेट में जाकर के अच्छी नौकरी मिले। और आप है कि आपने वो नौकरी छोड़ करके अपने पैशन को फॉलो किया, तो ये जी कैसे आपके माइंड में आया? माइंड में एक दिन में तो नहीं आया। मैंने काफ़ी साल नौकरी करी और उसमें भी मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया था जहाँ पे, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे, कि हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, बहुत लाखों में पैकेज हो, सब तरह की चीज़ें हो। सो आई हैड रीच दैट लेवल वेयर आई हैड एवरीथिंग। बट देन काफ़ी समय से, 1-2 साल से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ इनकम्प्लीट है। सिर्फ वो एक दिन जिस दिन सैलरी मिलती है, उसके अलावा बाकी दिन सिर्फ स्ट्रगल ही लगता है।
एक दिन सैलरी मिलती है उस दिन खुशी होती है, बाकी दिन लगता है कि यार अब वही सेम चीज मैं करूंगा, आज सुबह मैं फिर उठूंगा, फिर वही प्रेजेंटेशन दूंगा, फिर वही था। आई वाज इन अ सेल्स जॉब, आई वाज डूइंग एंटरप्राइज सेल्स फॉर लार्ज आईटी एमएनसी कंपनीज, तो उनके लिए मैं उनके सॉफ्टवेयर सेल करता था टू लार्ज एंटरप्राइजेस। तो आई वाज फीलिंग कि यार वही सेम चीज, मैं वही कहानी सुनाता हूँ नए नए लोगों को, वही सेम बात बोलता हूँ और वही चीज बेचने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें फुलफिलमेंट क्या है अदर देन मनी? व्हाट इज समथिंग दैट कैन ड्राइव मी? तो वो ड्राइव धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो एक पैशन। शुरू शुरू में काफी साल तो मैंने निकाल लिया क्योंकि वो नया नया टाइम था, धीरे धीरे मजा आ रहा था, मुझे ट्रैवल का शौक है, तो सेल्स में ये होता है कि यू गेट टू ट्रैवल ऑल्सो, आप घूमते रहते हो, नई नई जगह जाते हो। मुझे फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी काफी मिलता था, सेल्स टीम जाती थी, प्लस कभी रिवॉर्ड्स मिल गए, प्लस कभी मीटिंग्स भी हो सकती थी, सेल्स कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, तो वो चीजें भी साथ साथ चल रही थी। तो शुरू शुरू के कुछ साल तो उसमें बहुत मजा आया, प्लस पैसा भी मिल रहा था, तो वो काफी इंजॉय किया। बट फिर जब एक स्टेबिलिटी आ गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एंजॉयमेंट तो टेम्पररी था, अब तो मजा नहीं आ रहा है उतना। तो बेसिकली तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो जो ड्राइव है अंदर से वो नहीं आ रही, वो चीजें जो शुरू शुरू में जिनमें मजा आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। तो मुझे काफी 1-2 साल तक वो चीज खटकती रही कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। उसका आंसर मेरे पास नहीं था कि वो क्या, पर हाँ वो एक अंदर एक वो चीज आनी शुरू हो गई थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लाइफ सेट हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी नौकरी मिलने के बाद सिर्फ लाइफ सेट होती है, माइंड कहीं ना कहीं अपसेट रहता है। उसकी वजह ये रहती है कि शायद हमने पैसों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैशन को फॉलो नहीं किया। अगर हम ऐसा प्रोफेशन ढूंढे जो हमारा पैशन भी हो तो शायद हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने कॉर्पोरेट छोड़ करके क्या अब आप अपने पैशन में हो? हाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं 5 दिन काम करता था, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन की छुट्टी होती थी मल्टीनेशनल कल्चर के हिसाब से, 2 दिन मेरे पास टोटली फ्री होते थे। पर फिर भी वो 5 दिन का स्ट्रेस 2 दिन तक दिमाग में रहता था कि यार हाँ अभी ये मीटिंग करनी है, वो करना है, बॉस का प्रेशर, ये वो टारगेट्स का प्रेशर, नंबर्स का प्रेशर, वो कहीं ना कहीं बैक में तो रहता ही था। उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ के अपना ये करना शुरू किया ट्रैवल से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड, कहानियाँ सुनाने से रिलेटेड, क्योंकि ये 2 चीज़ें मुझे पसंद थी, इनको मिला के जब मैंने कुछ धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू किया, मुझे एक डायरेक्शन मिलनी शुरू हुई, तो मुझे अब मैं जो काम करता हूँ वो पहले के काम से आई थिंक 3 या 4 गुना है। जब मैं जॉब में जो काम जब काम करता था तो अभी मैं चार एटलीस्ट चार, अब मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई सैटरडे नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, हर दिन काम है, हर दिन स्ट्रगल है, हर दिन कोशिश है। और वो एक कहानी जो मैं एक स्टोरी 8 से 10 मिनट की बनती है उसके पीछे कम से कम 4 से 5 दिन का मेहनत तो होती है, रिसर्च होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, एडिटिंग होती है, लोगों से मिलना होता है, कई बार कहानियां मिलती भी नहीं है, कई बार अच्छी कहानी मिलती है, कई बार बुरी कहानी मिलती है, तो वो सारी स्ट्रगल्स, फिर उसके बाद अपनी ग्रोथ का स्ट्रेस, ये सारी चीजें साथ में पैरेलली चल रही हैं। उस तो वो स्ट्रेस पहले वाले से तो इट इज द स्ट्रेस एंड द वर्कलोड इज एटलीस्ट 4 to 5 times, पर वो इतना नहीं चुपता है अभी जितना पहले, वो छोटा स्ट्रेस भी है छोटा। हाँ अभी ये मुझे लगता है कि मैं कुछ क्रिएट कर पा रहा हूँ जिससे मुझे फुलफिलमेंट मिल रही है, इतनी मेहनत करके कुछ एक चीज निकल के आती है जो लोगों के सामने पहुँचती है, थोड़ा लोग पसंद भी करते हैं, तो वो बहुत अलग खुशी है वो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू हैप्पीनेस राइट। तो मेरा अगला एक क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया के इस दौर में नो डाउट सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी है, चांसेस बहुत ज्यादा है और रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो एक आम इंसान अगर अपना पैशन फॉलो करना भी चाहे तो कहीं ना कहीं उसे डर रहता है कि अगर ये जॉब छोड़ करके अपना पैशन फॉलो करे तो उसमें वो अपने अपने आप को फाइनेंशियली कैसे स्ट्रोंग करे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ तो मतलब अगर कोई पैशन, तो अभी देखो उसमें क्या है, ये दिस इज लाइक अ टू एज्ड स्वॉर्ड है, दोधारी तलवार है ना। एक तरफ तो क्योंकि पैशन भी एक वो कूल वर्ड बन गया है, बज वर्ड बन गया है, पैशन फॉलो करना, पैशन फॉलो करना है ना, तो किसी को किसी के पास पैशन हो या नहीं हो पर वो लगता है कि हाँ करना वो है, पर पैशन
पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप चीज करना चाह रहे हो उसमें एक तो आप उसका आप आपका सच में जेन्युइनली उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है ना, ये चीज समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। कि चाहे आप सिंगिंग की बात करो या डांसिंग की बात करो या वीडियोस क्रिएट करने की बात करो, तो सबसे पहले दो चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी अपने दिमाग में कि आपका सचमुच उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है। क्या आप उसके अंदर सब कुछ अपना झोंक सकते हो कि हाँ, मतलब सिर्फ जो 2 सेकंड का गाना या डांस या वीडियो दिखाई देगा उसके पीछे कई कई महीनों दिनों सालों की मेहनत होगी, तो क्या आप वो करने के लिए तैयार हो, क्या आपको वो चीज़ उतनी पसंद है, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि आप उसके लिए जो पैसे की मैं आपने सवाल पूछा कि उसको आप सस्टेन कैसे करोगे, ये चीज़ आपको दूसरी सोच के रखनी पड़ेगी कि अगर मैं ये चीज़ मुझे पसंद भी है, सारी टिक मार्क भी है कि हाँ मैं मेरा पैशन यही है, मुझे पसंद भी यही है, मुझे करना भी यही है, तो फिर आपको एक प्लान बना के रखना पड़ेगा कि जिस टाइम में ये स्ट्रगल होगा उस टाइम पे मैं अपने आप को सस्टेन कैसे करूँगा, क्योंकि पैसा तो बाद में आएगा जी, राइट। और मेरा मानना ये है कि आएगा ही, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, उसको चीज़ों को हिसाब से लॉजिकली समझ के कर रहे हो, तो इवेंचुअली मनी विल कम, सक्सेस के साथ मनी आएगा ही, पर उसमें टाइम लगेगा। तो उस फेज में आप अपने आप को सस्टेन कैसे करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा। उसके दो चार तरीके मेरे दिमाग में जो है वो हो सकते हैं। एक तो ये कि या तो आप सेविंग करके रखो ऑलरेडी, आपने कुछ साल नौकरी कर ली उसके बाद आपने सेविंग्स करके रखी, ये प्लान बनाया कि भैया मेरे पास 2 साल तक मेरा बेयर मिनिमम जो खर्चा है वो मैं चला लूंगा, मेरे को कोई ऐश नहीं करनी इन 2 साल में, कोई लग्जरियस चीजें नहीं खरीदनी, मेरा बेसिक खर्चा जो है वो इन पैसों में 2 साल तक चल जाएगा। तो या तो आप वो सेविंग्स करके फिर प्लान करिए उस हिसाब से, अगर आप वो नहीं कर सकते आप बिल्कुल इनिशियल फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज ऐसे है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक पैरेलल स्ट्रीम सोच के रखो, पैरेलल स्ट्रीम ऑफ मनी, जिसमें आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लो या फिर जो आपका पैशन ही है उसी से रिलेटेड किसी को उसकी कोचिंग देना हो गया या उसके बारे में किसी को सिखाना हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, कि थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ से आता रहे। और ये नहीं है तो अगर आपके पास कोई तीसरा स्किल भी है तो आप उसके थ्रू कुछ कुछ पार्ट टाइम करके पैसा कमा के बाकी टाइम और मनी जो आए वो आप अपने पैशन में इन्वेस्ट करो, दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप एक रेगुलर जॉब में हो तो रेगुलर जॉब आप करो, और इनिशियल टाइम में आप थोड़ा सा कम टाइम देना शुरू करो, वीकेंड्स दो, रात दो, शाम दो, जो टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचता है उस चीज़ के लिए वो टाइम दो, और फिर धीरे धीरे जब आपको लगने लगे कि हाँ अब आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, छोटी मोटी अर्निंग होनी शुरू हो गई, तब आप जॉब छोड़ के फिर मेन स्ट्रीम में कूद सकते हो। तो ये 2-3 तरीके डेफिनेटली आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये या ये या ये, इसमें से कोई ना कोई एक चीज होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो पैशन वैशन बिना बिना पैसे के तो कोई पैशन करता नहीं है वो सब, मतलब वो फिल्मों में ही ठीक लगता है कि हाँ प्लेटफॉर्म पे सो लिए, और प्रैक्टिकली तो लाइफ में ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता, वो एक दिन हो सकता है। तो वो एक चीज सोच के समझ के करनी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू में सेविंग्स करके रखी थी, फिर मुझे अभी रियलाइज हुआ कि टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो अब मैंने ये शुरू किया है कि मेरे ब्लॉग्स के अलावा मैं किसी कॉर्पोरेट के लिए वीडियो बना देता हूँ, आई मेक थोड़ा फ्रीलांस काम करके किसी के लिए वीडियोस बना दिए, उस टाइप का कुछ कुछ करके। तो आई एम ट्राइंग टू गेट इट एज अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, कि मैं ये वो मेरा ये इस काम को फंड करता रहे जब तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता कि अर्निंग सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। और जब आपने जॉब छोड़ दी और इस अपने पैशन को फॉलो करने लगे, आपने वीडियोस बनाना शुरू किए, अपलोड करना शुरू किए, तो तब आपका जो ध्यान था वो व्यूज पे रहता था कि व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? कभी आपको ऐसी शंका आपके माइंड में आई कि ये कर तो रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं? कोई ऐसा शंका हुई या फिर आपने सिर्फ पैशन को फॉलो किया? हर रोज होती है, हर एक वीडियो जो काम नहीं करता उसके बाद एकदम ऐसी डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत बुरी डिप्रेशन, तो खैर गलत वर्ड हो गया, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड डिप्रेशन, बट हाँ मतलब एक बहुत सैड फीलिंग होती है, होती और है, बहुत लो फीलिंग होती है कि यार
क्यों मतलब इतनी मेहनत करी, क्योंकि मैंने तो उस वीडियो में जो चला उसके लिए भी उतनी मेहनत करी थी, जिसमें व्यूज आए, और जिसमें नहीं आ रहे उसमें भी उतनी मेहनत करी थी। तो वो जब मेहनत खराब होती है तो लगता है, और वो दो या तीन वीडियो एक साथ हो जाए तो फिर ऐसा लगने लग जाता है, सवाल उठने लग जाते हैं मन में कि यार मतलब मैं ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपकी अपने आप से ही लड़ाई है जिसको आपको स्ट्रांग होके समझ के, पर वही है कि बीच बीच में आपको वैलिडेट करना जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन, क्या पता आप मतलब अगर मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ और मैं बिल्कुल बनाए ही जा रहा हूँ अंधाधुंध, और मुझे अगर ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है कि कहीं पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो वो गलतियां बीच बीच में सुधारते रहना, अपना पाथ करेक्शन करते रहना, वो बहुत जरूरी है। कि अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसी डायरेक्शन में बना रहा हूँ, तो क्या चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें, इतनी लर्निंग हो चुकी है तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ कि जो मेरा अगला वीडियो वो काम करे, राइट। तो अपना ये जो लो वाली फीलिंग्स होती है इनको इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना पड़ता है कि हाँ यार और मेहनत करते हैं, और कोशिश करता हूँ, कुछ और ट्राई करता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें, लोगों से बातचीत करी, अपने दोस्तों से कंसल्ट किए, या आसपास के लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि यार इस वाले चीज़ में और जो जो काम करी और नहीं करी इनमें क्या फ़र्क था, है ना, क्या मिसिंग लगा। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी ऑन द वे, तभी वो ग्रोथ का रास्ता तो वही है, यू कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप करेक्टिंग योर सेल्फ, वो पाथ वैसे ही बनता है। तो वो जो लो वाली फीलिंग होती है उसको आपको डाइवर्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई इधर चलना है, ये रास्ता है, घर में बैठ के ऐसे मुंह लटका के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब तो निकल गए समुद्र के अंदर, हम नाव में बैठे हैं तो नाव को तो खेना ही पड़ेगा, वरना आप एक जगह पे बैठे ही रह जाओगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने किनारा तो दूर निकल गया, तो अब आगे ही बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात कही, और जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, और अगर पैशन फॉलो करना चाहते हैं, खासकर ये सोशल मीडिया जो यूट्यूब फेसबुक इनमें अगर आना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सेल्फ एनालिसिस करते रहे, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप मोटिवेट करते रहें, और जहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है उसे करते रहें। अभी आपके आगे के लिए क्या प्लानिंग है अपने इस पैशन को लेकर? प्लानिंग तो यही है जैसे मैंने बताया कि चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, अब उसको कैसे और बड़ा करना है, चैनल को और बड़ा कैसे, बड़े लेवल पे कैसे लेके जाना है, वो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। तो कहानियों के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को थोड़ी सी कल्चर्स के अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी दी जाए, क्योंकि वो लोगों को चाहिए होती है, लोगों को एक जो मुझे समझ में आया कि एक मेरी स्टोरीज आर मोर अबाउट कल्चर, ट्राइब स्टोरीज, जो लोग इंजॉय करते हैं, पर वो एक वो ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पा रही जो उन जगहों पे जाते हैं लेकिन उस जगह को जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या ऑफ बीट जगहों पे कल्चर्स को तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं तो ढूंढते ढूंढ के पहुँचता हूँ, पर लोगों को देखने के बाद वो एक गैप लगता है कि यार हाँ मैंने देखा तो सही, इंटरेस्टिंग भी है, पर मैं यहाँ जाऊँ कैसे, ये पहुंचा कैसे वहाँ पे। वो चीज अभी तक मैं नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस अब आगे के वीडियोस में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत अपने वीडियो में ये भी बताऊँ कि यहाँ पे पहुँचने का रास्ता ही, अगर तुम जाना चाहते हो कहाँ रह सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो, अगर इस उस गाँव में नहीं रह सकते तो उसके पास नियरेस्ट जगह क्या है जहाँ पे आप जाके रह सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ये तो कॉन्टेंट लेवल पे हुआ, बट उसके अलावा मेरा विजन ये है कि अगले 2 से 3 साल में आई वॉन्ट टू सी शिवा टेल्स ऑन अ ग्लोबल लेवल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं पूरी दुनिया मेरी स्टोरीज देख रही हो। तो उसको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसको रन उस तरीके से करना पड़ेगा कि उसकी रीच बढ़े। तो वो सारी चीज़ों पे मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरी कोशिश ये भी है कि कुछ कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, ऑन बोर्ड आए मेरी टीम में, जो जहाँ जहाँ पे मेरे को हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग हो गई, या ब्रांड रीच आउट हो गए, या कोलैबोरेशंस हो गई, कंटेंट स्ट्रेटजी हो गई, इन सब चीज़ों में मेरे साथ जुड़े और मेरी हेल्प करें, मेरी ग्रोथ का पार्ट बने, ताकि जब मैं ग्रो करूँ तो साथ में वो भी ग्रो करें। तो वो एक खोज भी चल रही है मेरी साथ में, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो आप अकेले नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, तो अभी तक जो कुछ चल रहा है वो वन मैन आर्मी, अभी तक सब कुछ 0 से 100
100 तक मैं ही कर रहा हूँ। राइट, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जब आप बहुत स्टोरी आगे, ढूंढने से लेके ट्रैवल करने राइट, नहीं इसमें ये भी है कि जब आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत फेमस यूट्यूबर, फेसबुक या सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, जब आपकी इसी स्ट्रीम से इनकम भी अच्छी खासी होगी और आप बहुत से लोगों को इम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। मजा तभी है कि जब आपने लो लेवल से शुरू किया हो, तो उस काम में फिर उस सक्सेस में का जो मजा है वो भी कुछ अलग ही फिर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। प्लस आई थिंक वो आपको मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कल को एक टीम भी है, मेरे को, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, मुझे पता भी नहीं ओके, होता था कि एडिटिंग होती क्या है, कैसे होती है, तो मैंने करते 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 सीखी। नाउ अब मुझे स्क्रैच से पता है कि मतलब बहुत बड़ा एडिटर तो नहीं हूं मैं, बट हाँ कि एक राइट, एक डिसेंट लेवल तक कैसे कट्स करने हैं, कैसे एक ठीक ठाक दिखने वाला वीडियो बनाना है, उतनी नहीं तो मेरे को आती है। तो अब मैं अगर कोई एक्सपर्ट एडिटर भी हायर करता हूँ आगे चल के, तो ताकि वो एडिटिंग बैकएंड में होती रहे, इस तरीके से जैसे टीम बढ़ेगी तो ये सब लोग ऐड होंगे, तो ऑब्वियसली वो एडिटर ही है तो वो मेरे से बेहतर एडिटर होगा, पर एटलीस्ट मुझे निटिग्रिटीज पता होंगी, उसकी छोटी छोटी बारीकियां तो पता होंगी कि मुझे ये चाहिए और ये ऐसे बिल्कुल डिलीवर होना है। तो वरना तो वो बोलेगा कि यार ये नौसिखिया मेरे को सिखाने आया, इसको कुछ पता है नहीं, तो वो एक गैप इस चीज से खत्म हो जाता है जब आप खुद स्क्रैच से सीखते हो, खुद तो एक एक चीज आपको मालूम होती है कि ऑन ग्राउंड कैसे वर्क करती है, तो कल को आप काम को डेलीगेट भी करोगे तो यू नो कि काम होता कैसे है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तरह से ग्रो करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें आप बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से अभी तक जितने मैंने आपके वीडियोस देखे, नो डाउट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके स्क्रिप्टिंग करना, और जगह जगह जा करके डेटा कलेक्ट करना, वीडियोस कलेक्ट करना, लोगों से बातचीत करना, नो डाउट इस काम में मज़ा भी बहुत आता होगा, और नो डाउट एग्जॉशन तो होगा ही, इतना ट्रैवलिंग और इतना, फिर सब वन मैन आर्मी जो आपका चल रहा है, तो आपकी ये मेहनत खूब रंग लाए, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं, शुभभावनाएं हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक्स फॉर हैविंग। ओके जी, ओके, वेलकम। तो ये थे शिवाजी हमारे साथ, जिनका YouTube और Facebook में आप शिवा टेल्स करके चैनल देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी भेजूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग जगहों पे जाकर के कल्चर को फोकस करते हैं, कि वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। इससे एक तो हमारी जानकारियां बढ़ती है, दूसरा हमारे अंदर एक प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना हम भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग करें, लर्निंग करें, क्योंकि जितनी अच्छी लर्निंग होती है उतनी अच्छी अर्निंग होती है। अर्निंग सिर्फ पैसों में नहीं होती है, अर्निंग का मतलब होता है आप नॉलेज, एक्सपीरियंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज को आप अर्न कर सकते हैं। जब आप जगह जगह पे जाते हैं, जगह जगह पे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जान पहचान बढ़ती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो पैशन को फॉलो करना है, जिस तरह शिवाजी ने अपने पैशन को फॉलो किया, कॉरपोरेट की जो लाखों का जो पैकेज होता है, उस नौकरी को छोड़ करके आज ये एक ग्राउंड लेवल से एक नया अपना करियर शुरू कर रहे हैं, किया भी है और बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं। मैंने देखा है इनके चैनल पे काफी व्यूज आते हैं, तो नो डाउट आगे चल के ये बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी विशेष पर्सनालिटी के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमें कुछ सिखाए, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हमारी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो चलिए, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।